ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो ये वीडियो उनके लिए है जो स्टॉक मार्केट छोड़ना चाह रहे हैं। हो सकता है उन्होंने बहुत मेजर लॉस कर रखा है, तो मार्केट छोड़ने से पहले एक बार ये वीडियो देखना क्या आपने ये गलतियां करी हैं। नंबर सेकंड, अगर हो सकता है बिगिनर हो लेकिन फिर भी आपको ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स जरूर पता होना चाहिए ताकि आप फ्यूचर में गलती करने से बचो और बड़ा लॉस ना करो। नंबर थर्ड, उनके लिए जो लोग प्रॉफिट आज एक दिन कमा लेते हैं, दो दिन कमा लेते हैं, लेकिन इवेंचुअली मतलब मंथ के एंड में या क्वार्टर के एंड में, साल के एंड में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते, मतलब सिस्टम या सेटअप तो उनको मिल चुका है एंट्री एग्जिट का, लेकिन कंसिस्टेंटली पैसा नहीं बना पा रहे। तो आप अपने पिछले 20 ट्रेड उठा के देखना और देखना क्या आपने से इनमें से कोई गलतियां करी थी। सेकेंडली, सिर्फ मैं प्रॉब्लम्स नहीं बताऊंगा, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके उनका रूट कॉज क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखेंगे। सबसे पहली चीज, आपको एक ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए आपके लिए जो आपको बताए कि एंट्री कहाँ करनी है और एग्जिट कहाँ करनी है। और नंबर सेकंड, ट्रेडिंग प्लान। नाउ ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग सेटअप में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि लेट्स से आपके पास 1,00,000 रुपए की कैपिटल है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इस कैपिटल को आपको मंथ में मतलब किसी भी कंडीशन में आपको 10,000 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको वीक में कितना हो गया, 2,500 रुपए, ठीक है, 2,500 रुपए से ज्यादा, 500 रुपए पर डे, इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड अ ट्रेडिंग प्लान, मतलब आपको हर दिन प्लान है, हर ट्रेड आपको एंट्री एग्जिट से पहले प्लान्ड है, लॉस भी पहले से प्री डिफाइंड है और ट्रेडिंग सेटअप यानी एंट्री एग्जिट भी पहले से डिसाइड है। अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग सेटअप नहीं है तो अभी से बनाना शुरू कर दो। अभी हम देखेंगे किस तरीके से आगे बनाते हैं इसको, लास्ट में देखेंगे। इसकी कमी के कारण आपने देखा होगा आपको यह ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार मेरे को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, सारी चीजें दिखती हैं, ट्रेडिंग सब वगैरह सब सामने दिखता है लेकिन ट्रेड नहीं ले पाते आप, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बिकॉज क्यों नहीं, क्योंकि आपके पास कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है जो आपको एंट्री एग्जिट बताए और आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है पहले से डिफाइंड कि हाँ इतना लॉस ले सकता हूँ या इतना प्रॉफिट ले सकता हूँ। नेक्स्ट है आपका रिस्क मैनेजमेंट। नाउ ये होता है पोजीशन साइजिंग। बहुत से लोगों को पोजीशन साइजिंग समझ में नहीं आती कि 50 क्वांटिटी रखें, 100 क्वांटिटी रखें, 200 क्वांटिटी रखें। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। लेट्स से आपको एक दिन में 1,000 रुपए लेने लॉस लेने की कैपेसिटी है, मतलब आपका एसएल कितना है एक दिन का, 1,000 रुपए, ये 1,000 रुपए पर ट्रेड का आपका एसएल है। तो जो भी आपका एसएल है 1,000 रुपए, ठीक, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पॉइंट से। वो कैसे निकलेगा, आपने रिलायंस आपको 2,500 रुपए, आपका एक सिस्टम है यानी सेटअप है, उसमें आपको कह रहा है कि रिलायंस 2,500 रुपए में बाय करो, 2,550 का टारगेट है, ठीक है, और 2,480 रुपए का एसएल है, ठीक। ये आपका एक ट्रेडिंग सेटअप है, सेटअप ने आपको ये बताया है। अब देखो 20 रुपए का एसएल आ रहा है ना, तो जो एसएल की पॉइंट्स हैं उसको डिवाइड कर दो इससे, आपका जो एसएल प्लान्ड है, तो आ जाएगा कितना, 50 क्वांटिटी। यानी कि क्वांटिटी साइजिंग कैसे रखा जाए, पहले एसएल डिफाइंड होता है, उसके बाद जो चार्ट पे आपका एसएल निकल के आ रहा है वो एसएल निकाला, डिवाइड कर दिया एसएल डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स, सिंपल। आप करते हो ऐसा या नहीं करते मुझे बताओ, क्या पहले इसी तरीके से ट्रेडिंग करते थे कि पहले एसएल इस तरीके से डिफाइन करके क्वांटिटी कैसे डिफाइन करनी है। सेम चीज़ होता है जब आपको क्वांटिटी इंक्रीज करनी हो, डिक्रीज करनी हो, सेम चीज़, ठीक है। जब भी आप एसएल अपने दिमाग में रखो कि मैं इतना ही स्ट्रेट में एसएल ले सकता हूँ, पॉइंट से डिवाइड करो, तो ये उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी जिनको कहते हैं कि हमें पोजीशन साइजिंग समझ में नहीं आता है कैसे करें कैसे नहीं करें, सिंपल ऐसा रखना। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो फियर एंड ग्रीड। फियर का मतलब क्या होता है, डर। डर किस चीज़ का, कि मैं पैसा खो ना दूं। और ग्रीड क्या होता है, लालच, ठीक है, कि मुझे इतना पैसा आ गया और पैसा कितना आ सकता है। फियर ये किस किस चीज़ का हो सकता है, एक फियर आपका ये हो सकता है लैक ऑफ लूजिंग मनी, ठीक है। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम ये निकल के आती है, आपने कोई शेयर 100 रुपये का खरीदा, वो 110 का टारगेट लगाया और आप क्या करें 105 रुपये पे ही निकल गए। क्यों निकल गए, बिकॉज आपको लग रहा है अरे 5 रुपये ना चले जाएं, ये आपके साथ प्रॉब्लम है। तो ये सभी के साथ हो जाती है, प्रॉफिट अपने अर्ली बुक कर लेते हैं और लॉस आपका देर में बुक करते हैं, क्यों, लैक ऑफ लूजिंग मनी, ये इसका रूट कॉज। सेकेंडली, आप यू आर नॉट रेडी टू टेक लॉसेस, ठीक है, मतलब आपका कोई हो सकता है बहुत हार्ड अर्न मनी हो, ठीक है, हो सकता है आपको वो पैसा खो नहीं सकते, स्टिल आप मार्केट में लेके आ रहे हो और दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट लेके आ रहे हो कि हाँ ऐसा प्रॉफिट होगा, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, आप फियर लोगे और आप, या अभी हम लोग अभी थोड़ी सा लेटर पार्ट में देखेंगे कि किस तरीके से विनिंग साइज एंड विनिंग रेशो बनता है, ठीक है। ग्रीड आपका कब आता है, ये ग्रीड आपका तब आएगा जब आपने क्या करा, आपने सोचा यार इस एक्सपायरी पे जो 20 रुपए की पुट ली थी वो 100 रुपए हो गई, दैट मीन्स 5 गुना पैसा हो गया।
ये आपका ये एक्सपायरी हो सकता है ऐसी हो गई हो, ट्रेंडिंग एक्सपायरी हो गई हो, लेकिन अगर आपने अगली एक्सपायरी पे भी यही सोचा और ये क्वांटिटी साइजिंग, अभी आपने क्या करा 100 क्वांटिटी बाय करी थी, मतलब आपका मैक्सिमम लॉस 2000 रुपए का ही था, अब आपने क्या किया कि यार इस क्वांटिटी को बढ़ा के 500 कर देता हूँ, 10000 रुपए का तो लॉस होगा और 100 रुपए का अगर आया तो कितना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, ये आपके मन में आ गया ग्रीड। ये क्यों आता है? आपकी हाई एक्सपेक्टेशन से, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती है ना, एक ट्रेड आपका अगर सही चला जाता है तो हर ट्रेड ऐसा हो, ऐसा नहीं होता। एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम आपको एंट्री और एग्जिट दोनों बताता है, उस हिसाब से आपने अपना एक्सपेक्टेशन रखनी है। तो फियर और ग्रीड, अभी हम ना जब लास्ट में से सॉल्यूशंस देखेंगे तो सारे सॉल्यूशंस के बाद आपको क्लियर हो जाएगा हाँ ये किस तरीके से ठीक हो जाता है, अभी हम लोग इसका रूट कॉज जान रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है आपके कुछ टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग्स होती हैं, ठीक है। अब आपने कहा होगा बहुत ज़्यादा कि यार मैं ओवर ट्रेडिंग की वजह से मेरा लॉस खत्म हो जाता है, मैं रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाता हूँ, ये सब होता क्या है, ये सब देखते हैं फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले तरीके की ट्रेडिंग आती है फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत सारे लोग IRCTC, ठीक है, IRCTC, IEX, ये सारे शेयर्स ऊपर के दामों पे लेके बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हुए हैं, जस्ट बिकॉज अब ये हुआ क्या, लिया क्यों, क्योंकि बहुत तेजी से ये जा रहा था ऊपर, अब ये क्या हुआ ऊपर के टाइम पे इन्होंने ले लिया, अभी लेके इसको बैठ गए होल्ड करके बैठे रहे, SL नहीं लगाया और लेके बैठ के चले गए। क्यों? क्योंकि फोमो आ गया था कि यार ये और ऊपर जाएगा, किसी ने कह दिया कि अभी IRCTC एक मोनोपोली कंपनी है, कोई और उसकी टक्कर का नहीं, गवर्नमेंट की कंपनी है, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। सेम चीज़ IEX में, 90% डिस्ट्रीब्यूशन IEX करता है। इस तरीके से क्या हुआ, आपके पास एक न्यूज़ वगैरह आ गई और आपने क्या किया, फोमो में आ गए शेयर और ऊंचे दामों पे खरीद के चले गए, बैठ गए। सेम चीज़ आपका इसमें भी आता है जो आप कॉल पुट्स में करते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है होप। होप का मतलब क्या होता है कि आपने लेट से कोई बैंक निफ्टी की कॉल 300 रुपए की खरीदी, ठीक है, कोई 300 रुपए की कॉल खरीदी, अब ये आ गया आपका SL था 250 रुपए का, ठीक, अब ये आ गया आपका 200 रुपए, अब आपने क्या किया और आज इंट्राडे डे क्लोज हो गया, अब आपने क्या सोचा यार कि 200 रुपए आ गया है, कल हो सकता है ये वापस से 300 आ जाए तो मैं 300 पा के निकल जाऊंगा, आपने ये सोचा। अब अगले दिन मार्केट ऊपर आया, थोड़ा बहुत नीचे हुआ, उसके बाद ये प्राइस चला गया 180, उसके बाद प्राइस चला गया 160, अब आपने सोचा कि यार ये 200 तो आ जाए, तो 200 तो पहले था वो आ जाए फिर मैं निकल जाऊंगा। अभी तक आप 300 से 250 से स्ट्रेच करके 200 पे आ गए, 200 से स्ट्रेच करके 150 आ गए, फिर आप 200 पे आ गए, इस तरीके से क्या हुआ, आपने होप करी कि शायद ऊपर आ जाए। अब ये होप ट्रेडिंग होती क्यों है, सेम वही फियर एंड ग्रीड, मतलब पैसा आप खोना नहीं चाहते, ठीक। देन आपका नेक्स्ट आता है रिवेंज ट्रेडिंग। बहुत कॉमन तरीके की मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं, ठीक है, हो सकता है आपने ट्रेडिंग अभी तक स्टार्ट नहीं की हो, लेकिन ये फिर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप ये सब करोगे, अभी देख लेना, आप अगर नए हो तो ये तब भी करोगे, मैं बता भी दूंगा फिर भी करोगे, आपने क्या करना है नोट डाउन करके रख लेना कि ये गलती हो सकती है। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, आपका SL प्लान था दिन का 1000 रुपए, ठीक है, आप 1000 रुपए से नहीं गया, किसी कारणवश वो आपका 1500 रुपए का लॉस लग गया एक ट्रेड में, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट ट्रेड था, अब जो आप सेकंड ट्रेड लोगे उसमें आपके लिए दिमाग में 1500 रुपए का लॉस ऑलरेडी होगा, इस लॉस को रिकवर करने के लिए आप जो ट्रेड लोगे उसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। ये रिवेंज ट्रेडिंग बहुत कॉमन टाइप की मिस्टेक है जो लोग करते हैं, उसका रीजन क्या है, आप लॉस लेने को तैयार नहीं हो, ठीक है, कि आपका दिन का जो आपने डिफाइन किया हुआ है वो लॉस आप लेने को तैयार नहीं हो, इसलिए आपका रिवेंज ट्रेडिंग आता है। देन ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग बहुत, आपको पता ही है, बहुत बुरा हाल होता है ओवर ट्रेडिंग का। इसका रीजन क्या होता है ओवर ट्रेडिंग का, एक रीजन हो सकता है कि आपको दिन में कोई ट्रेड नहीं लिया, आप बोरडम में आके ट्रेड ले रहे हो कि अब क्या दिन में कैसा करें, बेकार हो गया, ठीक है, एक ट्रेड। दूसरा, आप किसी एक ट्रेड में लॉस लग गया और आपने सोचा है इसको रिकवर करने की कोशिश करूँ, जो रिवेंज ट्रेडिंग हमने डिस्कस किया था, ठीक है, उसको पूरा कर लूँ, उसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। या फिर आपका क्या होगा कि यार इतना प्रॉफिट दिन में करके निकल जाऊँ और कर करके आप स्कैल्पिंग कर लूँ या जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसकी वजह से आप ट्रेड्स के नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाना शुरू कर देते हो। अब ये ओवर ट्रेडिंग ना एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आती है, बिकॉज क्या होता है, ये ब्रोकरेज खतरनाक लेवल की जनरेट कर देती है। हो सकता है आपने प्रॉफिट कमा लिया हो, दिन भर में आपको M2 में प्रॉफिट दिख रहा हो, लेकिन वो ब्रोकरेज सारा ब्रोकरेज है या फिर चार्जेस वगैरह है वो सारा आपका ले जाए। ओवर ट्रेडिंग को सॉल्यूशन क्या है, ओवर ट्रेडिंग को रिड्यूस करने का, स्क्रीन पे मॉर्निंग में आपका 1000 रुपए लॉस था डे का प्लान, अगर ये 1000 रुपए लग गया तो स्क्रीन बंद कर दो, ठीक है, स्क्रीन देखना ही नहीं है। या फिर आपका दिन में 2000 रुपए प्रॉफिट का प्लान था, ठीक है, वो प्रॉफिट निकल गया और स्क्रीन बंद कर दी, ये इसका सॉल्यूशन है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप स्क्रीन खोल के देख लो, आप सोचो कि मैं मार्केट को देखता रहूं, बस कि एक बार देखता रहूंगा, ट्रेड नहीं करूंगा, देखता रहूंगा,
लेकिन ये आपको फिर भी बुलाएगी ये मार्केट, और देखना आप उसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग करोगे अगर आप मार्केट में बैठे हुए देख रहे हो। जब आप बहुत ज़्यादा प्रो लेवल के बन जाते हो, मतलब आगे चल के धीरे धीरे होगा, तब आप स्क्रीन देख सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग के लेवल पे आप कर रहे हो तो आप देखना, आप अगर स्क्रीन देख रहे हो निफ्टी बैंक चार्ट्स खोल के बैठे हुए, तो आपसे ट्रेड वो होगा ही, वो बुला ही रहेगी मार्केट आपको कि यार ये ट्रेड बन रहा है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आने वाला है, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग का सॉल्यूशन क्या है, आपको स्क्रीन क्लोज करना। देन आता है आपका कन्फर्मेशन बायस। नाउ कन्फर्मेशन बायस का मतलब क्या होता है, लेट से आपने कोई न्यूज़ पे कोई शेयर खरीदा कि आपने बजाज ऑटो का एक शेयर खरीदा क्योंकि वो बायबैक दे रहा है, ठीक है, ये अनाउंस करने वाला है, ऐसा करके एक न्यूज़ आया। अब आप ना मतलब ब्लाइंडली वो सारी चीज़ें पढ़ने लगोगे जिसमें बजाज ऑटो ऊपर जाने लगा हो, सबकॉन्शियसली माइंड में आपके ये आ जाएगा कि यार ये बजाज ऑटो ऊपर जाएगा, चार्ट आपको पॉजिटिव दिखने लगेगा, आप कम्युनिटी फोरम ज्वाइन करोगे किसी वेबसाइट्स वगैरह की, उसमें देखोगे कि यार बजाज ऑटो में अच्छी न्यूज़ है, बहुत ऊपर जाने वाला है। तो कन्फर्मेशन बायस जो होता है बेसिकली आपकी मेंटेलिटी ऐसे बिगाड़ देगा कि उसकी गलत चीज़ें, मतलब जो चीज़ नेगेटिव बन रहा हो, ठीक है, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है, वो चीज़ आप इग्नोर कर दोगे, पॉजिटिव साइज देखोगे जस्ट बिकॉज आपने वो ट्रेड में बाय लिया है, उसे कहते हैं हम लोग कन्फर्मेशन बायस। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका विनिंग रेशियो वर्सेस विनिंग साइज। देखो आपको क्या लगता है, आप बताओ कि मेरे 10 में से 7 ट्रेड या फिर मेरे 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल हैं तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा इवेंचुअली, एक तरीके का ये है। दूसरा ये है कि मेरे 10 में से 5 ट्रेड प्रॉफिटेबल हैं और 5 लॉस वाले हैं, इसमें प्रॉफिटेबल बनूंगा। कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। आप कहोगे यार इस वाले में मैं जीतूंगा और इस वाले को लॉस होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ लाइव जो है उसका, जिम साइमंस को गूगल करना, $28 बिलियन की, ठीक है, इतना उनका नेटवर्थ है, सबसे अमीर रिचेस्ट ट्रेडर है। उनकी एक्यूरेसी पता है कितनी है, 52, यानी 5.2 आउट ऑफ 10 ट्रेड्स उनके प्रॉफिटेबल जाते हैं और सबसे अमीर ट्रेडर हैं। कैसे हो गया ये होता है विनिंग साइज की वजह से, ठीक है। हम लोग कहाँ पे फंस जाते हैं, हम लोग गलती क्या कर देते हैं, विनिंग रेशियो को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि हमारे 7 ट्रेड हो या 8 ट्रेड हो, 10 में से वो प्रॉफिटेबल जाएं, लेकिन हमारे 2 ट्रेड ऐसे हो जाते हैं जो ये सारा प्रॉफिट लेके चले जाते हैं। ईमानदारी से अपने आप को बताना कि ऐसा होता है आपके साथ या नहीं होता है कि आपने कोई 7-8 ट्रेड आप एक्यूरेसी में गए लेकिन 2 या 1 ट्रेड आपका ऐसा था जो सारा प्रॉफिट ले गया, 15 दिन का प्रॉफिट ले गया, ऐसा होता है या नहीं होता है मुझे बताना। जबकि हमें मोटिव कहाँ पे है, हमें करना क्या चाहिए, विनिंग साइज पे फोकस करना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, मतलब मैंने 1 रुपये का रिस्क लिया उसके बदले में मुझे कितना रिवॉर्ड मिला। अगर ये आपका 1:2, 1:3 है, मतलब आपने 1,000 रुपये का रिस्क लिया और उसमें रिवॉर्ड आपका 2,000 रुपये का है, 1,000 रुपये का रिस्क लिया रिवॉर्ड उसमें 3,000 रुपये का है, जितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड होगा उतना आपका विनिंग रेशियो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जब आप जीतोगे तो आप बड़ा जीतोगे, ठीक है। महीने में 2 या 3 जैकपॉट ट्रेड लग जाते हैं, बस लोग क्या करते हैं जैकपॉट लॉस कर लेते हैं, जैकपॉट ट्रेड की जगह पे जैकपॉट लॉस, वो क्यों करते हैं, बिकॉज होल्ड करके बैठ जाते हैं, जो हमने प्रीवियसली देखा था मिस्टेक्स वगैरह, बड़ा लॉस कर दिया वहीं उनका रिस्क रिवॉर्ड घट गया। एग्जांपल के साथ समझते हैं, हर ट्रेड में जब आप जीतते तो 7,000 रुपये कमाते हो, लेट से आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, 1:1 से नीचे तो ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है, 1:1 है, 7 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल हैं, 7 × 1,000 यानी आप जब प्रॉफिट कमाओगे तो 7,000 रुपये कमाया, 3 ट्रेड में जब आपने लॉस किया तो 1,000 रुपये का लॉस किया क्योंकि 1:1 था, तो आपका नेट में कितना बना, ठीक है, 4,000 रुपये। अब 4,000 रुपये जो आपका बनेगा वो ऑब्वियसली कुछ ब्रोकरेज वगैरह काटनी पड़ेगी, ये बना। अगर मैं ऐसा कहूँ कि आपको 5 ट्रेड प्रॉफिटेबल हैं लेकिन हर ट्रेड में 1:3 का रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, 3,000 × 15,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 5 ट्रेड में आपको लॉस है 1,000 रुपये का, ठीक, और 5,000 रुपये का लॉस हुआ, तो आपको नेट में कितना बचा, 10,000 रुपये। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, विनिंग रेशियो मैटर नहीं किया, विनिंग साइज मैटर किया, इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। अगर आपने यहाँ पे एक गलती कर दी, क्या गलती करी, यहाँ पे आप 1,000 रुपये हारते हो, एक ट्रेड में आप 5,000 रुपये हार गए, तो होगा क्या, यहाँ पे आपका लॉस दिखेगा 2,000 + 5,000 = 7,000 रुपये का, जो आ जाएगा 0,0, मतलब आप जो कुछ कमाया नहीं उल्टा आप 0,0 पे आ गए, ब्रोकरेज और देनी पड़ी जेब से। इसीलिए हमेशा विनिंग रेशियो से ज़्यादा विनिंग साइज पे फोकस करो कि जब भी रिस्क रिवॉर्ड मिले अच्छा मिले, कम ट्रेड करो ना। ओवर ट्रेडिंग का आप क्यों करते हो, बिकॉज आप एक्यूरेट बहुत होना चाहते हो। जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो उसका रीज़न क्या होता है, आप एक्यूरेसी, मुझे 9 ट्रेड 10 में से प्रॉफिटेबल बनाने हैं, ऐसा होता ही नहीं है। आप करोगे 9 ट्रेड, जितना ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ाओगे उतना विनिंग रेशियो कम हो जाएगा। देन एक नेक्स्ट बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम आती है, टेकिंग प्रॉफिट्स अर्ली एंड वेटिंग फॉर लॉसेस। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अभी बैंक निफ्टी वाला एग्जांपल था और हमने 100 रुपये का जो शेयर था, 105 का आपका, 110 रुपये का टारगेट था और आप 105 में निकल जाते हो,
ठीक है, प्रॉफिट्स अर्ली लेते हो और लॉसेस के लिए आप वेट कर जाते हो कि 300 रुपये पे आपने कॉल खरीदी, याद है वो 200 रुपये की रह गई, फिर 200 से 100 से 150 आ गई। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अभी अपन लोग देखेंगे। देन नेक्स्ट आता है, आप बताना आपने ऐसा करा है या नहीं किया है, बाइंग और सेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ टिप, मतलब किसी दोस्त ने कह दिया, किसी ने रिलेटिव ने कह दिया कि यार ये शेयर बाय करना है नहीं करना है, या कोई टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर लिया कि आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करो डेली के 2000 रुपये कमाओ, ठीक, या आप किसी एडवाइजरी पे जाते हो। ये प्रॉब्लम आती क्यों है, ऐसा करते क्यों आप, बिकॉज आपके पास जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है, ठीक है। सेटअप अगर मिल गया, लेट्स से आपने इनसाइड बार वाला सेटअप देख लिया, जो मेरा वीडियो में पड़ा हुआ इनसाइड बार का, वो देख लिया, लेकिन उस सेटअप की आपने प्रैक्टिस नहीं करी। सेटअप तो मिल गया, एंट्री एग्जिट कहाँ कर रहा है ये सब तो मिल गया, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस अगर ये भी कर लिया तो आपने बैक टेस्ट सिर्फ उसमें किया है, ठीक है, प्रीवियस डेटा पे, लाइव मार्केट में बैक टेस्ट नहीं किया है। लाइव मार्केट में भी अगर आपने बैक टेस्ट किया है तो आपने वर्चुअल ट्रेडिंग पे किया है, ठीक, देख लेना। इसी वजह से आपके अंदर क्या होगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ टेकिंग द ट्रेड, कि यार इसको मैं बाय करूं या ना करूं। इसके अलावा क्या हो सकता है, आप कि आपको अपने ऊपर भरोसा ना हो और आप SL लेने को तैयार नहीं हो कि मैं SL नहीं ले सकता यार, मुझे हर बार सही होना है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि आप हर बार सही हो, ठीक है। तो ये हमने रूट कॉज देखा। अब इस रूट कॉज का सॉल्यूशन क्या है, प्रैक्टिस, कि आपने एक सेटअप बनाया। सबसे पहले अगर सेट, मैंने ऐसे ऐसे लोग लिखे हैं जो 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए की कॉल या पुट बाय करके बैठ जाते हैं, उनसे पूछो रीजन क्या है, उनको पता ही नहीं होता कि रीजन क्या है, जस्ट बिकॉज मार्केट में मंदी लग रहा है, सब लोग कह रहे हैं मंदी आ रहा है तो हमने बाय कर लिया पुट, लोगों को लग रहा है कि तेजी आ रही है हमने बाय कर लिया, और इवेंचुअली लॉस कर देते हैं। मैं कहता हूं ऐसा प्रॉफिट कमा भी लोगे ना तो भी फायदा नहीं है, बिकॉज एक ना एक टाइम आएगा जब आप पैसा गवा दोगे, क्योंकि आपके पास कोई सेटअप ही नहीं है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों पे अपना काम करना है, सेटअप बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, बैक टेस्ट करना है, वर्चुअल की जगह रियल ट्रेडिंग करनी है, चाहे कम क्वांटिटी में करो, और SL से घबराना नहीं है, SL हर सिस्टम में SL कटता है, ठीक है ना। देन इसी का एक्सटेंशन हमारा देखा था, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल ट्रेड एंड रियल ट्रेड। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हो सकता है आप भी हो, वर्चुअल ट्रेड में तो बहुत पैसा कमाते हैं, मतलब जो आपका सॉफ्टवेयर आता है उसमें तो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ना रियल ट्रेड की, तो वही सेम सेटअप पे पैसा नहीं कमा पाते। होता है नहीं होता आपके साथ, मुझे बताओ क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज उन्होंने साइकोलॉजी पे तो काम ही नहीं किया। जो साइकोलॉजी मतलब जो आपका ये फियर एंड ग्रीड कैसे होता है, जब आप लाइव जेब से पैसा कटता है ना, अकाउंट से पैसा जाता है, तब आपकी साइकोलॉजी पता चलती है कि आप SL जल्दी से काट के निकल जाओगे, SL का वेट भी नहीं करोगे, ये प्रॉफिट जल्दी जल्दी बुक कर लोगे, बिकॉज क्यों, क्योंकि आप रियल ट्रेड कर ही नहीं रहे हो। और इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस, नंबर वन। नंबर सेकंड, आपने जो पैसा कमाया हुआ है उस पैसे को आप खोना नहीं चाहते, ठीक है। इसीलिए आप देखना इवेंचुअली, हो सकता अपने 20 ट्रेड प्रीवियस चेक करना और देखना आपने इसमें से क्या क्या चीजें गलती करी या नहीं करी है। नाउ इन सब के सॉल्यूशंस क्या हैं, सारी चीजों को एक बार अगर हम लोग समराइज करें, आप प्रीवियसली हमने कितनी सारी प्रॉब्लम्स देखी, उनका रूट कॉज देखा, अब इनके सॉल्यूशंस क्या है, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, ध्यान सुनना। सबसे पहले मेक योर सेटअप, ठीक है, सेटअप बनाओ। सेटअप आपका क्या हो, जो आपको क्लियरली डिफाइन करे कि एंट्री इस पॉइंट पे करनी है, इस पॉइंट पे एग्जिट करना है, चाहे टारगेट पे या SL पे। सेटअप मतलब जैसे मैं अपना, मेरा सेटअप क्या है, मैं प्राइस एक्शन को देखता हूँ, ठीक है, प्राइस एक्शन को देख के प्लस अपना डेरिवेटिव्स यानी OI का डेटा देखता हूँ, इन दोनों को मिला के मेरा एक सेटअप बनता है, ठीक। जब दोनों कन्फर्मेशन दे देते हैं तब मैं ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो मैं ट्रेड ही नहीं लेता हूँ। इसके बाद क्या होता है, अपना एक प्लान बनाओ ट्रेडिंग का, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ट्रेडिंग प्लान, उसमें क्या होता है कि मैं हर दिन का प्लान, ठीक है, अगर मैं आपको, मैं अपने वो दिखाता तो मैं हर डायरी मेंटेन करता हूँ। अभी क्या होता है उसमें, जैसे आज डेट है फॉर एग्जांपल 17 जून, ठीक है, 17 जून को मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। मैंने आज लेट से निफ्टी की कॉल मैंने बाय करी, ठीक, निफ्टी की कॉल मैंने बाय करी 200 रुपये पे और 220 पे निकल गया। मेहनत लगती है, अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है ना तो आसानी से नहीं बनते, बहुत मेहनत लगती है इस मार्केट से पैसा कमाने के लिए। तो 200 से 220 रुपए का मैंने एक ट्रेड लिया। दूसरा ट्रेड मैंने क्या लिया था, बैंक निफ्टी की मैंने पुट बाय करी थी 300 रुपए पे और उसमें मैं 350 पे निकल गया, ठीक। तीसरा ट्रेड मैंने क्या लिया था, निफ्टी का पुट बाय किया था 120 रुपए पे और 80 रुपए पे निकल गया। अब मैंने क्या किया, इस ट्रेड को एनालाइज किया। कैसे एनालाइज किया, कि यार ये वाला ट्रेड था ये सही था, मेरे सेटअप के हिसाब से था, एंट्री एग्जिट के हिसाब से था, ये वाला ट्रेड ना बड़ा प्रॉफिट बन सकता था लेकिन मैंने ट्रेल नहीं किया। उसका रीजन क्या था ट्रेल ना करने का, बिकॉज मुझे लग रहा था यार कि मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, मैंने बाय करा हुआ है वापस नीचे आ जाए तो 300 रुपए से पता लगा 50 रुपए का भी प्रॉफिट ना मिले,
तो ये एनालाइज किया, इसमें एस एल था मेरा 120 का, आपने देखा 120 का 80 रुपए का एस एल था, सॉरी एस एल था मेरा 100 रुपए का, लेकिन मैंने इस ट्रेड में बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने 20 पॉइंट का एक्स्ट्रा एस एल दिया। अब मुझे क्या करना है, इस पे काम करना है, इस वाले ट्रेड पे अपने आप शाम को ही करना है, हर ट्रेड का करना है। जो लोग ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम करते हैं ना कि सर बहुत ओवर ट्रेडिंग हो जाती है सारा, आप ट्रेडिंग जर्नल जिस दिन मेंटेन करना शुरू कर दिया डिसिप्लिन के तरीके से, उस दिन से आप देखना आपकी ओवर ट्रेडिंग रिड्यूस हो जाएगी। बिकॉज आप जब शाम को लिखोगे ना अपने ट्रेड्स के बारे में जर्नल देखोगे तो आपको लिख नहीं मिलेगा, इतना गलती कैसे कर सकता हूँ, ठीक है ना। और अगर आपने 1000 रुपये का प्लान किया है, आई कैन गारंटी यू, अगर आपने कोई भी सेटअप हो लगातार 20-25 दिन 50 दिन एसएल नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप हर ट्रेड को अपना चेक किया, इससे क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, रिवेंज ट्रेडिंग वाली भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और फोमो ट्रेडिंग जो आप कहते हो ना फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि वो ट्रेड क्यों लिया इसके पीछे का रीजन है, ठीक है। ये ट्रेड लेट से मैंने प्राइस एक्शन के बेसिस पे लिया कि ट्रेंड लाइन टूट गई थी, ये वाला ट्रेड मैंने क्यों लिया क्योंकि मेरे को ओआई का डेटा बता रहा था कि बहुत आपका बुलिश जा रहा है, इसलिए मैंने ये वाला आपका ट्रेड लिया। तो हर ट्रेड के पीछे रीजन होगा। नंबर थर्ड पे आता है, ट्रीट एवरी ट्रेड एज अ न्यू ट्रेड, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एवरी ट्रेड को एक न्यू ट्रेड की तरह लो। लेट्स से आपके कोई गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड, या आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड था, उससे आपका ब्रेकअप हो गया, अगर आप मूव ऑन नहीं करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, जब भी आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में आओगे और मूव ऑन करा नहीं, अभी भी उसकी यादें आपके पास हैं, तो जो नया लिया है उसमें भी आप गड़बड़ करोगे और लाइफ भी बर्बाद करोगे, दोनों की लाइफ खराब कर लोगे। इसी तरीके से अगर आपने किसी एक ट्रेड में लॉस कर दिया एक चीज, या आपका अकाउंट खाली हो गया दूसरा, तभी भी आपको हर ट्रेड ऐसे ही ट्रीट करना है कि वो वाला ट्रेड अनरिलेटेड है, मतलब कोई इससे रिलेशन नहीं है, वरना क्या होगा, रिवेंज ट्रेडिंग आपके सामने आ जाएगी, ओवर ट्रेडिंग, ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी अगर आप हर ट्रेड को नए ट्रेड के नजरिए से नहीं देखोगे, ठीक है ना। तो हर ट्रेड को यही समझो कि नया ट्रेड है। देन अपने रूल्स जो बनाते हो, ठीक है, अब मैं अपने सेटअप के हिसाब से करूंगा चीज़ें, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करूंगा, पोजीशन साइजिंग को मैनेज करके रखूंगा, साइकोलॉजी को करूंगा, प्लस मेरे जैसे कुछ रूल्स हैं कि मैं जब भी विक्स ग्रेटर देन 25 हो जाती है मैं ट्रेड नहीं करता, चाहे सामने कितना ही अच्छा सेटअप दिख रहा हो, बिकॉज वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है मार्केट में, ऐसे तो कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। विक्स अगर 22 से 25 के बीच में है तो मैं पोजीशन साइजिंग हाफ करूंगा या बहुत ही कम करूंगा, और इन विक्स में मैं कैरी तो नहीं करूंगा पोजीशंस को। नंबर फिफ्थ, ठीक है, ये क्या चीज है, आपने क्या किया, आपको पता होना चाहिए जो भी आपने ट्रेड लिया, जैसे आपने बैंक निफ्टी का कोई ट्रेड लिया, ठीक है, बाय या सेल करने का लिया, लेट्स से आपने क्या करा, इसके आउटकम्स देखो कि क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या आउटकम होगा। पहला, आप उसमें बड़ा पैसा कमाओगे, यानी बिग विन करोगे, ठीक है। हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें पता हो, लेकिन ये सब जितनी बार आप बार बार देखोगे तो क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पहुंच जाएंगे। नंबर सेकंड आता है आपका स्मॉल विन, ठीक है, इसमें क्या करोगे, आप छोटा पैसा कमाओगे। तीसरा आउटकम क्या हो सकता है, आप ब्रेक इवन निकल जाओ, मतलब ना इसमें आपने प्रॉफिट कमाया ना इसमें आपने लॉस किया, ठीक है, भाव भाव निकल गए जिसको बोलते हैं। देन क्या होगा, स्मॉल लॉस, ठीक है, कि आपने छोटा सा जो आपका एसएल डिफाइन था वो एसएल लेके आप निकल गए। एंड द लास्ट आता है आपका बिग लॉस, ठीक। आपने ट्रेड्स में से देखना, आपने प्रीवियस 20 ट्रेड्स में से देखना क्या आपको किसी ट्रेड में बिग लॉस लगा है, अगर लगा होगा तो पूरा महीना खराब कर देगा वो आपका। मतलब आपको अपने ट्रेड्स का आउटकम इन्हीं चार में रखना है, 1, 2, 3, 4, चौथ पांचवें पे आना ही नहीं है चाहे कुछ हो जाए। आपने कोई शेयर 100 रुपये पे बाय किया, आपका एसएल था 95 रुपीज़ का और वो आगे 94 रुपीज़, तो 95 का एसएल देके निकल जाओ, दोबारा 100 के ऊपर आएगा दोबारा एंट्री ले लूंगा ना, क्या दिक्कत है। लेकिन 94 आ गया फिर उसका 90 आएगा फिर वो 80 आएगा, ऐसे करते करते कहानी खराब हो जाएगी। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि पांच वाले चीज़ को एलिमिनेट कर देना है, अपने ट्रेडिंग बुक से खत्म कर देना है, इसलिए ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि क्या क्या साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, देखना कि आपने अकाउंट्स में ये सारी गलती कर रखी है, क्या आपका अकाउंट वाइप आउट हो चुका है, और अगर वाइप आउट हो चुका है तो क्या इसमें से कोई गलती करी हुई है, स्टिल आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट्स मिस कर दिए, कुछ हो गया, तो वो आपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ ये पॉइंट मेरे साथ होता था लेकिन आपने इसमें मेंशन नहीं किया, सो दैट अलग लोगों को भी और लोगों को हेल्प मिलेगी आपके कमेंट से। सो आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।